Now, India's Home Minister Amit Shah just moments back responded to queries on the situation in Jammu and Kashmir in the country's upper house of the parliament, or the Rajya Sabha, as it's called. He assured his fellow lawmakers that the situation in the valley was already back to normal and that all legal restrictions were completely removed. Listen in. Students are not in a position to attend classes. Their academic year is likely to be affected. So how much more time it would take for the restoration of normalcy so that all the educational institutions, right, you are repeating again, commercial establishment, would start functioning. Thank you. Sabhapati Mahode, main pure sadan ko batana chahta hu ki kab puri sthiti samanya hogi. Puri sthiti samanya ho chuki, samanya hi hai sthiti wahan. Main aapko thodi डिटेल बात इसलिए बताना चाहता हूं सभापति महोदय कि देश और दुनिया में इसके लिए कई प्रकार की भ्रांतियां, कोई गलत आशा नहीं होगा, मगर फैली हुई है. तो मैं इस सदन के माध्यम से देश की जनता के सामने ये पूरी कश्मीर की सामान्य स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं. जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, 5 अगस्त के बाद एक भी व्यक्ति की पुलिस फायरिंग से मौत नहीं होगी. एक भी व्यक्ति की मौत पुलिस फायरिंग से. इस सदन में सबने आशंका व्यक्त कर दी, रक्त की नदियां बह जाएगी, रक्तपात हो जाएगा, सैकड़ों लोग मारे जाएंगे. मुझे आनंद है कहते हुए माननीय, एक भी व्यक्ति की जान पुलिस की गोली से नहीं, एक नागरिक. सीआरपीसी के तहत 144 के तहत लगाए गए सारे प्रतिबंध 195 के 95 पुलिस स्टेशन के अंदर लिफ्ट कर दिए गए. पत्थरबाजी की घटना में गत साल की कंपैरिजन में कमी आई है. पिछले वर्ष 802 पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थी अब तक, और इस बार 544 हुई, तो पत्थरबाजी भी कम हुई. सभी 20,411 स्कूल खुले हैं, परीक्षा सुचारू रूप से ली जा रही है. 11वीं कक्षा के 50,537 विद्यार्थियों ने में से 50,272 मतलब 99.48% ने परीक्षा दिया है, और 10वीं और 12वीं कक्षा के 99.7% विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया. घाटी के सभी हॉस्पिटल और स्वास्थ्य केंद्र खुले हैं. उदाहरण के तौर पर मैंने आगे बताया ही संख्या माननीय, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी और चावल गत साल से सेल के अंदर 8% से 16% की वृद्धि है, कहीं कोई कमी नहीं. 10 साल की कंपनी